वीआर का गेम प्ले खेले उससे पहले पीछे आ गई एक स्पेशल ऑडियंस, ये देखो भाई, वो भी ब्लैक कैप्स कहलाती है। हमारा वीआर गेम प्ले पहुंच रहा है आईसीसी रैंकिंग में, जो T20 में टॉप 5 टीम्स है उनकी तरफ, जहां पे आज हम खेलने वाले न्यूजीलैंड के सामने। करंट रैंकिंग है हमारे इस टूर्नामेंट का आपके सामने आ चुका है। भाई एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग डेली वीडियोस देखते हैं, भाई मेरा काम है आपके लिए वीडियोस लाना। कुछ कमी है, कुछ सजेशन है तो भाई कमेंट में दे सकते हो, बट सपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज सेकंड टाइम हिम्मत फिर नहीं होगी भाई कि मैं कर पाऊँ। तो थोड़ा सा सपोर्ट धीरे धीरे डाउन हो रहा है वीआर पे। मैं नहीं चाहता कि मैं वीआर छोड़ूं, मैं तो रोज़ खेल रहा हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कितना सपोर्ट मिलता है, ताकि मैं इससे और कंटिन्यू कर सकूं और कुछ और भी ट्राई करूं। ठीक है, इस मैदान का स्टेडियम 3 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 137। लेट्स सी कितना कर पाते हैं। है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड से कोई मतलब है नहीं इस टूर्नामेंट को, वो तो मैं जस्ट अपने लिए एक पर्सनल चैलेंज रख के कह रहा हूँ। बाकी जो भी मैं बनाऊँगा रन फर्स्ट टाइम ही होने वाला है। ठीक है, लेट्स प्ले एक बार फिर। राइट आर्म फास्ट से शुरुआत होती हुई और विकेट मत खोना। स्कोर यहाँ पर है, स्टेडियम का लेआउट कुछ ऐसा है, काफ़ी सही मौसम है, मतलब रियल लाइफ में भी ऐसा ही है बट शाम के हिसाब से, सुबह के हिसाब से नहीं। कैच ड्रॉप फर्स्ट बॉल पे। जिस मैच की शुरुआत इतनी ज़बरदस्त है, उसका एंड कैसा होगा वो देखने के लिए मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ। और हाँ, गेंद है ना, झूठ नहीं कहूँगा, बहुत आसानी से बैट पे आ रहा है। ये फास्ट है कि मीडियम फास्ट था वो? और बेहतर मार सकते थे, गैप में गया, इसलिए इस बार भी 3 के चांस रहेंगे। 2 आया, लाइन लेंथ कुछ खास नहीं। ओ, 1 कम आए, 1 ही मिला। बहुत ही चिल रह के खेला है ये ओवर, एंड 1 गेंद और बाकी रहेगी, बाकी 7 रन। शूट नहीं कहूँगा, एक्चुअली थोड़ा बॉडी वो लग रहा है यार, वार्म्ड अप नहीं लग रहा। डॉट, इनको पता नहीं, बता दूं वाइट बॉल काउंट नहीं होती, पिछले ओवर में 8 थे, 10 में से 10 पॉइंट रन, लेकिन 4 ही। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया आ गया है इस मोड में। टॉप 3 टीम्स जो हैं उसमें हम लोग 1 लेवल अप खेलेंगे, तो बता दूं टॉप 3 के लिए मुश्किल होगा काफ़ी। ये भाई इन स्विंगर थी, बट बहुत पीछे कर रहे हैं ये, मेजर रिस्क लिया नहीं है मैंने भी, यही कारण है कि यहाँ पर रन बनाना बहुत आसान। 17 पहुँच गया स्कोर। सबसे बड़ी चिंता जो होगी न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है फील्डर डीप में है, विकेट नहीं मिल रही है इनके लिए सबसे चिंता वाली बात। 137 अगर करना है, जो कि रिकॉर्ड है इसका मैदान का, तो भैया 13 मारने पड़ेंगे, 14 रन। राइट आर्म मीडियम फास्ट, ठीक है। मिस कैसे हुआ, मैं भी कैसे मिस हुआ, वो भी कैसे हुआ। मीडियम फास्ट है ये, दिस इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर। 3 गेंदों पे वही गलती की पहले खेल रहा हूँ, कहाँ 18 आए थे पिछली ओवर में और कहाँ यहाँ बॉल टू बॉल नहीं आ रहे। थोड़ा सा क्रॉस, थोड़ा सा वो अच्छा हुआ नहीं खेला, क्योंकि मेरा दिमाग है ना यहाँ से इतने के बीच में था। वो शुरुआत से ही दिख गया था, इसके सामने हम लोग ढेर हैं, बहुत जल्दी खेल रहे थे, इस बार भी जल्दी चले गए, बॉल बाद में आई। राइट आर्म के सामने थोड़े डाउन थे, लेफ्ट आर्म आया है, छूट गया था हाथ, बट बैट स्विंग हो चुका था, 1 बाउंस 4। रुकने वाली जो बात है ना, इस बार हुई है। अरे ये तो वो कोहली वाला शॉट हो गया जो मैं लॉन्ग मिड ऑन मारता हूँ और मैं लेफ्टी हूँ, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, फील्डर भी होते नहीं है जनरली। है 3 चौके भाई, 1 ओवर न्यूजीलैंड, 1 ओवर मेरी। बीट नहीं होना था, चिल से चिल भाई, चिल चिल। 1 मिस फील्डिंग, 2 ओवर के रन आ गए 13 पिछले ओवर में, लेकिन बहुत गड़बड़ की थी, मेरा मन किया दौड़ के जाऊं थक्का दे दूं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन सेकंड विकेट फॉल हुआ है यहाँ पे, 4 ओवर के बाद 41-10 का रन रेट। ठीक है, मीडियम फास्ट। ओ यार नहीं है, परफेक्ट वाली फील अलग ही होती है कुछ। 2
इतना क्रॉस, अरे नहीं आ रहा शॉट। और ना मेरे दिमाग में आ जा रहा सही में 130-140 चल रहा है, इसीलिए दो तीन रन भी खराब लग रहे हैं मेरे को। शुरुआत अच्छी थी एंड दिस इज द बेस्ट बुल शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। सिक्स आया है, रिएक्शन बताता हुआ। देखना अगली गेंद, मुझे पता था अगली गेंद एकदम स्लॉट डालेगा, या स्लॉट नहीं मतलब आगे रखेगा, हमारे नज़दीक रखेगा। 13 रन आ गए ओवर से, बहुत इंतजार एंड दिस इज द बेस्ट शॉट ऑफ द टुडे। स्लोअर गेंद थी, पढ़ लिया था, वेट किया, हिट किया। सिक्स, 19 रन्स, ठीक है 21 नहीं नहीं एक आएगा 20, 12 पंचे। क्या गेंद थी, सीरियसली ब्यूटी यार, सेलिब्रेशन देखो, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, पैरों पे रखते हुए, पैर है नहीं, नहीं तो मैं पैर गिरता भाई यहाँ पे, और मैं हल्के में ले रहा था। एक बैड न्यूज दे दूं, न्यूजीलैंड को नंबर एक नहीं बनेगी वो, ये कंफर्म हो गया एज, यो की पहली है। 4 रन, फिर वही लेग स्टंप, ठीक है चेज है फिल्डर के लिए, डाइव लगाई, 2 रन, 30 पूरे कर लिए हमने। बड़े शॉट की जरूरत नहीं थी भाई, घूम फिर के हम लोग वही बराबर वाली हालत में आ गए, 68-4। अभी 114-115 पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं, बहुत मुश्किल है एक विकेट से। ट्राई करते हैं अंत तक टिकने का। 1 रन, 69, लेफ्ट आर्म फास्ट, जी हाँ फास्ट, इतना नेचुरल गेम रख पाना कितना पॉसिबल है देखते हैं। फिर एक चेज, बॉल गति खो दिया है, फील्डर नहीं रोक पाया। अगली गेंद, गोल्ड, एंड यहाँ पे जो रैंकिंग बन के आई है आपके सामने, जहाँ पे 73 पे रुक गया है न्यूजीलैंड, वो भी 6.3 ओवर्स में खेलने के बाद ये हाल है। शुरुआत अच्छी थी बट फ़ायदा नहीं उठा पाए, टॉप 7 में आ गए इस मैदान के, बाकी रैंकिंग आपके सामने है। एंड दिस इज इट, छोटा गेम प्ले होता हुआ कमबैक किया एक्चुअली न्यूजीलैंड ने, मैंने लोज मौका गंवा दिया। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय टाटा, गुड डे।